ज्यादा से ज्यादा सफलता मिल सके जिसके ऊपर हमारा यह प्रोग्राम बेस्ड है तो आइए अपने इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं हैं और देखते हैं कि इस एपिसोड में किन सवालों को शामिल किया गया है पहला सवाल है बिहार विद्यालय खेल प्रतियोगिता सम्मान समारोह में किस जिले के सात ताइक्वांडो खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया विकल्प है मुंगेर नवादा जमुई खगड़िया या सबसे लास्ट वाला जो विकल्प है यह सभी प्रश्नों में रहने वाला है तो इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है तो इसको आप लोग अगले प्रश्न में या जो भी प्रश्न आएंगे उनमें देख लीजिएगा उपरुक्त में से कोई नहीं या उपरुक्त में से एक से अधिक तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है नवादा है नवादा जिले में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था और इस समारोह में सात ताइक्वांडो खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है इस सम्मान समारोह में खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र के साथ साथ नकद राशि भी राज्य सरकार द्वारा मुहैया कराई गई है अगर इसकी कुछ तथ्यात्मक हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसका आयोजन बिहार में पटना में किया गया था तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि इस समारोह का आयोजन कहां पर किया गया था तो पटना में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा इसका आयोजन किया गया था यानी कि आयोजित करने वाली वो कौन सी एजेंसी थी या कौन सा विभाग था तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी तो वो कब आयोजित की गई थी तो इस प्रतियोगिता का आयोजन 11 से 14 मार्च 2022 को किया गया था अगर हम पुरुष वर्ग की बात करते हैं तो इसका आयोजन बक्सर में वही 15 से 17 मार्च के बीच पूर्वी चंपारण में आयोजित की गई थी राज्य स्तरीय ताइकांडो विद्यालय प्रतियोगिता जिस जो कि बालिकाओं के वर्ग से संबंधित थी, थी तो यहाँ पर जो मुख्य बातें हमें ध्यान देने वाली है एक तो इस सम्मान समारोह का आयोजन कहां पर हुआ पटना में आयोजन करने वाली एजेंसी कौन थी तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण उसके अलावा ये जो प्रतियोगिता थी यानी जो खेल था जिसके लिए नवादा के सात ताइकांडो खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया गया है सम्मान दिया गया है तो प्रतियोगिता 11 से 14 मार्च पुरुष वर्ग यानी बालक वर्ग के लिए बक्सर में आयोजित की गई थी वहीं अगर महिला वर्ग की बात करते तो इसका आयोजन पूर्वी चंपारण में किया गया था 15 से 17 मार्च तक अगले प्रश्न को देखते हैं राज्य के किस जिले में हाथ में नरमुन लेकर बच्चों द्वारा नृत्य किया जाता है विकल्प है गया पूर्णिया मुंगेर या भागलपुर तो हाथ में नरमुंड लेकर के जो नृत्य प्रस्तुत किया जाता है ये मुंगेर जिले के जो आनंद मार्गी बच्चे होते हैं उनके द्वारा ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है जहां एक हाथ में नरमुंड होता है तो दूसरे हाथ में खंजर होता है नरमुंड की जगह पर सांप भी हो सकता है कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यह है भी कोई भी ऐसी वस्तु जिससे कि भय हो उसको एक हाथ में लिया जाता है दूसरे हाथ में खंजर छुरी या कटार कुछ भी हो सकता है यहां पर खंजर छुरी कटार से तात्पर्य है कि ये जो है रक्षा का प्रतीक है यानी कि आत्मरक्षा करने के लिए अपने हाथों में कटार छुरी या खंजर लेना तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से अगर हम बात करें तो देखते हैं कि ये मुंगेर जिले में जो आनंद मार्गी बच्चे होते हैं उनके द्वारा इस तरह के नृत्य का आयोजन किया जाता है और ये जो नृत्य है तांडव नृत्य है जैसा कि आप सभी को पता है कि तांडव नृत्य जो है भगवान शिव से संबंधित होता है और इस नृत्य में एक हाथ में दूसरे हाथ में खंजर लेकर के इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है आनंद मार्ग धर्म महासम्मेलन में बाबा नाम केवलम अष्टाक्षरी मंत्र पर इस नृत्य को किया जाता है तो यहां पर यह बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो ये तांडव नृत्य या आनंद मार्गी बच्चों के द्वारा जो हाथ में नरमुंड लेकर नृत्य प्रस्तुत किया जाता है उसके जो मंत्र हैं उनके क्या बोल हैं या कौन सा मंत्र है तो बाबा नाम केवलम अष्टाक्षरी मंत्र और इस नृत्य में 22 तरह की कलाएं प्रस्तुत की जाती है और ऐसा मानना है कि इस नृत्य की वजह से बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है अगर इसकी शुरुआत की बात करते हैं यानी इस नृत्य की शुरुआत किसने की थी तो आनंद मूर्ति सरकार ने 6 सितंबर 1978 को इस नृत्य की शुरुआत की थी अगले प्रश्न को देखते हैं राज्य के किस जिले के नंदन चौबे ने माउंट कनामो पर 328 फीट लंबा तिरंगा झंडा फहराया है विकल्प है भोजपुर बक्सर रोहतास या सारण तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बक्सर अभी हाल ही में पिछले महीने अगस्त की अगर हम बात करें तो 28 अगस्त को बक्सर के रहने वाले नंदन चौबे ने हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के जिले लौह स्फीति में स्थित माउंट कनामों पर तीन फीट लंबा तिरंगा झरना फहराया है और ये, इनका ये जो ये जो कर्तव्य था कई रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज है तो इसके बारे में थोड़ी सी अगर तथ्यात्मक बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये बक्सर जिला से संबंधित है बक्सर जिला के अंतर्गत आने वाले राजपुर प्रखंड के सरेंजा गांव के ये निवासी हैं पिछले महीने इन्होंने उत्तराखंड के मनाली और लेह के बीच स्थित माउंट यूनाम पर भी आरोहण किया था इसके साथ साथ जैसा कि मैंने अभी बताया हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित माउंट कनामों पर इन्होंने झंडा फहरा करके यह कीर्तिमान स्थापित किया है अगर इसकी बात करते हैं तो किन किन बुक में यह रिकॉर्ड दर्ज है तो सबसे पहले इंडिया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दूसरा वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और तीसरा इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में यह रिकॉर्ड दर्ज है अगला प्रश्न है बिहार के नील आर्यन ठाकुर ने रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है वे किस जिले से संबंधित हैं समस्तीपुर बेगूसराय सहरसा या लखीसराय तो आपको बता दें कि पिछले हफ्ते रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 प्रतियोगिता का आयोजन चेन्नई में किया, किया गया था और इस प्रतियोगिता में 30 प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए इन्होंने बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए इस खिताब को जीता है जिसकी वजह से इन्हें इन्होंने न केवल अपने जिला बल्कि पूरे बिहार प्रदेश का नाम रोशन किया है तो ये जो है बिहार के सहरसा जिले से संबंधित है तो इस प्रश्न का सही उत्तर सहरसा हो जाएगा ये कुछ से तथ्यात्मक बातें रही यदि आप लोग स्क्रीन लेना चाहें तो ले सकते हैं अगला प्रश्न है राज्य सरकार ने हाल ही में अक्टूबर 2022 में राज्य के कितने जिलों के छियानवे प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है विकल्प है दस ग्यारह बारह या तेरह तो का सही उत्तर बी हो जाएगा ग्यारह अभी हाल ही में बिहार सरकार ने 11 जिलों के छियानवे प्रखंडों के नौ पंचायतों के अंतर्गत 11 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है और ऐसे लोगों को यानी कि सूखा की वजह से जिन किसानों को दिक्कतें आ रही है या जिनका नुकसान हो गया है उनको आर्थिक सहायता भी दी जाएगी जिसके लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 500 करोड़ रुपए की अग्रिम स्वीकृति भी सरकार द्वारा मंजूर कर दी गई है अगले प्रश्न को देखते हैं बिहार का कौन सा जिला पहला सौ फीसदी डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है विकल्प है जहानाबाद पटना गोपालगंज या भोजपुर तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले कि आपको बता दें कि वर्ष 2019 में केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एक योजना बनाई गई थी जिसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य में कम से कम एक ऐसा जिला हो जो कि पूर्ण रूप से डिजिटल सेवाओं पर आधारित हो यानी कि वहां पर जो भी सेवाएं या जो भी उत्पाद ग्राहकों को दिए जाते हैं वो पूरी तरह से डिजिटली तौर पर आधारित हो तो इसी के तर्ज पर बिहार राज्य के जहानाबाद को सौ फीसदी डिजिटली बैंकिंग वाला जिला घोषित कर दिया गया है यानी कि यहां पर जो भी सुविधाएं ग्राहकों को दी जाती हैं चाहे वो मोबाइल बैंकिंग हो नेट बैंकिंग हो या यूपीआई हो या कोई अन्य सेवा या उत्पाद हो वो पूरी तरह से डिजिटल सेवाओं पर आधारित होगी तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं अगला प्रश्न है हाल ही में संपन्न हुई दूसरी राष्ट्रीय पिकल बॉल चैंपियनशिप में बिहार ने कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं विकल्प है एक दो तीन या चार तो इस प्रतियोगिता में बिहार राज्य ने कुल छह पदक हासिल किए जिसमें से दो स्वर्ण पदक हैं दो कांस्य पदक और दो सिल्वर पदक है इनके बारे में तो अगर बात करें तो इसमें अंडर 19, अंडर 14 एवं सीनियर ग्रुप में कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं जिसमें दो स्वर्ण दो रजत व दो कांस्य पदक बिहार राज्य को प्राप्त हुए हैं और यहां पर यह बात ध्यान देने वाली है कि इस प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया था और ये कौन सी प्रतियोगिता थी तो प्रतियोगिता का ये जो था यह दूसरा संस्करण था इसके अलावा इसका आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में किया गया था तो ये तथ्यात्मक बातें हैं जो कि परीक्षा के मद्देनजर महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं अगले प्रश्न को देखते हैं जयप्रकाश नारायण का जन्म राज्य के किस जिले में हुआ विकल्प है बक्सर गोपालगंज भोजपुर या सारण तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको बता दें कि अभी हाल ही में जयप्रकाश नारायण या जिनको जेपी भी लोग कहते हैं उनकी 120वीं जयंती मनाई गई है और उनकी इस जयंती के उपलक्ष्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इनकी 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया है और कहां पर किया है सारण में किया है सारण जो है इनकी जन्म स्थली है सारण के सिताब दियारा गांव में इनका जन्म हुआ था और ये जो गांव है काफी बाढ़ से प्रभावित होता है लगातार होता रहता है जिसके चलते इन लोगों ने यानी कि इनके माता पिता ने इनके पूरे परिवार ने बिहार को छोड़ करके उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में निवास कर लिया था अगर इनके बारे में हम बात करते हैं तो ये असहयोग आंदोलन से भी संबंधित थे जिसके लिए इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई तक को छोड़ दिया था तो ये रहा हमारा इस एपिसोड का अंतिम सवाल और आज के इस अंतिम सवाल के साथ इजाज़त दीजिए तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ तब तक पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए शुक्रिया